ओ भाई साहब कितना बेस्ट रूम है दोस्तों। देखिए यार कितना बढ़िया सामने का पहले व्यू देखिए, जो लोग ये देखते हैं भाई व्यू कैसा है होटल का। सामने का व्यू देखिए, शीशा लग रहा है यहाँ पे। सो बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का यार। आप बैठ के यहाँ पे आराम से पहाड़ों का व्यू ले सकते हैं। सामने पहाड़ है पर बारिश हो रही है तो इसलिए हमें पहाड़ नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि फोग फोग ज़्यादा हो रहा है। सामने पहाड़ है वैसे, अगर आप आओगे तो क्लीन दिखेगा आपको, काफ़ी अच्छा लगेगा। पर आप सीज़न में आते हो तो इधर की तरफ आप देख सकते हो, इधर की तरफ पहाड़ दिख रहे हैं काफ़ी अच्छे से। और अभी कुछ बन रहा है यहाँ पे, और ये है जो सारा प्राइस में इंक्लूड आपके लिए। आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हो, कुछ ऑर्डर कर सकते हो खाने वगैरह का। बाकी ये एरिया मैंने आपको दिखा दिया, ये सारा काफ़ी बेड है, 10 बेड्स हैं यहाँ पे ना, तो 10 बेड्स हैं। तो इसका प्राइस मैंने आपको बता दिया। मैं आपको उसका प्लेइंग एरिया दिखाता हूँ कि क्या क्या आप इसमें प्लेइंग एक्टिविटी कर सकते हो जो इंक्लूड है इसमें। सो गाइस, ऋषिकेश आने की प्लानिंग कर रहे हो और होटल चाहिए चीप रेट पे, ये कैसा लग रहा है आपको बेस्ट होटल? आइए कराता हूँ आपको होटल का टूर और बताऊंगा लास्ट में की प्राइस और क्या टाइमिंग है इसकी। आइए पहले तो आप इसका गार्डन एरिया देखिए, काफी अच्छा गार्डन एरिया इसका। आपको चेयर और टेबल का देख के लगा सकते हो कि आप काफी बेस्ट है इसमें यार। आप यहाँ पे बैठ भी सकते हो, हैप्पी बर्थडे लिखा है, अगर किसका हैप्पी बर्थडे हो तो आप यहाँ पे बैठ के उसकी पिक वगैरह भी क्लिक कर सकते हो। बाकी थोड़ा बारिश करके थोड़ा क्लोज है, वरना बहुत बहुत साफ सुथरा काफी अच्छा रहता है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसका, ये इसका पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया देखिए, आप कोई एक्टिवा बाइक खड़ी दिख रही होगी, इसको आप रेंट भी ले सकते हो होटल वाले की तरफ से ही, इनका आप रेंट भी ले सकते हो 500 रुपये पर डे के लेके, जिसका जिसमें पेट्रोल आपका खुद का होता है। और आइए आपको आगे का दिखाता हूँ, ये इसमें जनरेटर भी लगा है, मतलब लाइट की कोई दिक्कत नहीं है, लाइट 24 घंटे आती है यहाँ पे, ऐसी कोई प्लान नहीं है। अब मैं आपको रिसेप्शन पे लेके चलता हूँ सीधा, और दिखाता हूँ आपको रिसेप्शन में क्या चीज़ है। तो रिसेप्शन में हमारी एंट्री हो चुकी है, भैया बैठे रिसेप्शन वाले, तो ये काफ़ी अच्छा आपको देखने में लग रहा होगा, काफ़ी अच्छा इन्होंने डेवलपमेंट किया है यार इसका रिसेप्शन का। तो रिसेप्शन देख के आप कमरों का अंदाजा लगा सकते हो एटलीस्ट। तो ये लिखा आपको गोस्ट ऑफ, इस होटल का जो नाम है ये गोस्ट ऑफ है, हॉस्टल है वैसे तो, पर यहाँ रूम वगैरह भी सब अवेलेबल होते हैं। इसका प्राइस वगैरह मैं आपको लास्ट में जाके बताऊंगा। सो इसका चेक इन चेक आउट का टाइम है, तो देखिए काफ़ी अच्छा है इसमें सारा। इसमें आपको एक्टिविटी के रूल भी मिलेंगे आपको, और सारे कब आ सकते हो कब कैसे नहीं आ सकते हो, आपको वेबसाइट वगैरह का भी मिलेगा, इनका पेज वगैरह जो सोशल मीडिया का। ये भैया बैठे हैं, तो कैसे हो भैया? भैया रिसेप्शन इन टाइम भैया बताएंगे, एड्रेस वगैरह बता दो भैया थोड़ा सा। आप तो यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, यहाँ से आपका राफ्टिंग इजिली है, यहाँ से आपको व्हीकल्स मिल जाएंगी। अगर आपको देवप्रिया के चार धाम के जाना हो तो यहाँ इजिली आपको व्हीकल्स मिल जाएंगे, सब कुछ नियर बाय है होटल से। तो यहाँ आ लिए तो भाई आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का कैफे, और कैफे एक्चुअली में यहाँ पे दो है, एक मैं फ्रंट कैफे दिखाता हूँ आपको जो नीचे का है, फर्स्ट कैफे जो आता है हमारा, कुछ आपको ये दिखा दूँ कि यहाँ पे ये एक्टिविटी है, यहाँ से आप इन जगहों में भी जा सकते हो, विजिट कर सकते हो, बुक या कार बुक करा के या कुछ भी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ आगे का, और ये कैफे है, और ये देखिए इसका पहले प्ले ग्राउंड भी है, यहाँ पे आप प्ले भी कर सकते हो गेम वगैरह। और एक कैफे है, अंदर से दिखाता हूँ आपको, देखिए काफी ब्यूटीफुल कैफे है, लाइटिंग का भी काफी इन्होंने अच्छे से ध्यान रखा है अपने कैफे के अंदर। और बाहर भी बैठ सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको यही सीटिंग एरिया दिख रहा होगा, बाहर भी बैठ सकते हो। और खाने वगैरह का सपोर्ट रहा है यहाँ पे, चीप प्राइस है, ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत अच्छा है, और क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी होती है और टेस्टी भी काफ़ी होता है। और मैं आपको दिखाता हूँ अब इसके रूल कि आप कैसे बाइक और वगैरह रेंट पे ले सकते हो। देखिए आपको प्लेस विजिट करने के लिए उन्होंने काफ़ी चार्ट बनाया हुआ है काफ़ी अच्छा सा, जिसमें आपको एक्टिविटी कर सकते हो, आप ऋषिकेश में राफ्टिंग कर सकते हो, कैंपिंग कर सकते हो, बाइक ऑन रेंट पे, ट्रैक ट्रैकिंग टूर, ये सब होटल वाले कराएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं आपको इसका ऊपर जाके दिखाता हूँ इसके रूम वगैरह कैसे हैं, और इसके जो हॉस्टल में जो हम पे बेड वगैरह टाइप मिलते हैं ना, तो वो कैसा, और उसका प्राइस वगैरह क्या है। तो और स्पेशल चीज आपको इस होटल में एक स्पेशल चीज भी है जो मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा, तो चलते हैं। तो गाइस चलते हैं अब ऊपर, आपको दिखाता हूँ ये रिसेप्शन, आप यहाँ से आके यहाँ भी जा सकते हो। और ऊपर आते ही देखिए कुछ सीटिंग है, कॉमन है, आप कोई भी आके बैठ सकते हैं अपने रूम वगैरह से, रूम में अगर बोर हो रहे हो तो या अकेले हो तो यहाँ पे आके बैठ जाना, ये भाई साहब आपको मिलेंगे। और ये ऊपर का व्यू देखिए एक बार यार, इतना बेस्ट होटल है ना, इसका चीप रेट इतना है, मैं आपको लास्ट में पक्का बताऊंगा, आप वीडियो के एंड तक जरूर रहना यार। ये देखिए यहाँ का कॉमन एरिया, ये भी आप आराम से बैठ सकते हो यार, आप यहाँ पे सो भी सकते हो कॉमन एरिया में, आप सो सकते हो, कितना बेस्ट है। वगैरह का जो रूम होता है ना बेड टाइप, जो हॉस्टल वगैरह में भी होते हैं, वो दिखाता हूँ और उसका रेट बताऊंगा, फिर रूम दिखाऊंगा, फिर रूम का रेट दिखाऊंगा। तो चलते हैं पहले हॉस्टल वाले की तरफ, और मैंने जहाँ स्टे किया वो ये था,
मस्त। ये लड़की हमारे साथ थी सोनी, ये हम थे, ये है हम थे, ये है। तो ये एरिया होता है जहाँ हमें सोने के लिए मिलता है, ये देखिए ऐसे, ये ऊपर पंखा लग रहा है। और ये एरिया होता है, ये बैठे हैं हमारे रमन जी, रमन के व्लॉग्स, ये बैठे हैं नोमड शुभम। हाँ क्रिएटर, और इनका चैनल भी है, किस नाम से? हाँ तो सब्सक्राइब कर देना यार। ये इसका लिंक एरिया देखिए, ये काफी गंदा दिख रहा है, सबसे साफ है मेरा एज कम्पेयर टू अदर्स। हाँ साफ पता किसे कहते हैं, इसे कहते हैं साफ। ये देखिए ये एरिया मिलता है गाइस आपको, आप इस करके ऐसे भी कर सकते हो। और हमने रात को बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया, हमने गेम भी खेली रात को, वो ज्यादा एंजॉय भी किया। और मैं यहाँ पर रुका हुआ था, तो ऐसे हालत नहीं दिखाने वाली, चलो दिखा देता हूँ। और आपको इसके साथ साथ एक लॉकर भी मिलता है अलग से, ये है, आप यहाँ पे अपना सामान वगैरह भी रख सकते हो। तो ये खुलने का ये वाला दिखा देता हूँ, हाँ ये वाला है, ये खुला हुआ लॉकर, आप यहाँ पे सामान वगैरह रख सकते हो, भैया ने बैग रख रखा है। हाँ तो गाइस मैं आपको यहाँ का बाथरूम वगैरह दिखा देता हूँ कैसा है। ये है, ये देखिए बाथरूम फैसिलिटी काफी अच्छी है। और ये देखिए गीजर वगैरह लगा, सब फैसिलिटी है यहाँ पे देखिए, और काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आगे, बहुत ही बढ़िया ये हॉस्टल है। और आपको मैं आप इसका प्राइस रिवील करता हूँ कि हॉस्टल का प्राइस क्या है। और आपको पता है हॉस्टल का प्राइस करीब 250 है पर नाइट, और बहुत ही बेस्ट है। और ऊपर भी हमारी गेमिंग एक्टिविटी भी है, इसको 221 में मिला है। तो ऑनलाइन वेबसाइट पर अगर आप जाके करवाते हो तो आपको, हाँ मेक माई ट्रिप जैसे आप उस पर कराते हो तो आपको काफ़ी लेस भी मिलेगा, काफ़ी ऑफर भी मिलेंगे और काफ़ी आपको उसमें अच्छा मिल जाएगा। पर इसका जो प्राइस है वो 250 के अराउंड है, और काफ़ी अच्छा हॉस्टल है। ऐसे आप ऐसे जैसे कॉलेज टाइप में पढ़ रहे हो, आपको ऐसे फीलिंग्स आएगी। बाकी ये एरिया मैंने आपको दिखा दिया, ये सारा काफ़ी बेड है, 10 beds हैं यहाँ पे ना, तो 10 beds हैं। तो इसका प्राइस मैंने आपको बता दिया, मैं आपको इसका प्लेइंग एरिया दिखाता हूँ कि क्या क्या आप इसमें प्लेइंग एक्टिविटी कर सकते हो जो इंक्लूड है इसमें, 250 में इंक्लूड है सब कुछ। तो लेके चलते हैं ऊपर, और रूम भी दिखाऊंगा, फिर रूम का प्राइस भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा लास्ट में एक अपनी तरफ से स्पेशल एडवाइस भी दूंगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है, और एक स्पेशल चीज़ भी है जो आपको दिखानी है अभी। तो फिलहाल चलते हैं जल्दी से, चलो चलो चलो। सो गाइस मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ थोड़ा, इस होटल का एरिया काफ़ी अच्छा है। जैसे आप ऊपर जाओगे ना वैसे हॉस्टल टाइप यहाँ भी बना हुआ है, और वैसे कॉमन एरिया आप यहाँ बैठ सकते हो। इंस्टाग्राम की रील वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो यार, आप देखिए काफी अच्छे पोस्टर वगैरह पिक्चर, ये स्पॉट है एक बहुत अच्छा कह सकते हो, पर यहाँ पे आप बैठ सकते हो यार, कॉमन एरिया यार, काफी अच्छा काफी ब्यूटीफुल है यार। और इस प्राइस रेंज का जो मैंने आपको बताया तो यार कुछ कोई भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। और देखिए काफी अच्छा व्यू है यार यहाँ का, फिर से एक ऐसे हॉस्टल टाइप आ गया, ये देखिए फिर से ऐसे हॉस्टल टाइप आ गया। यहाँ पे भी आप पिक्चर वगैरह क्लिक कर सकते हो, ये इंस्टाग्राम की रील वगैरह बना सकते हो, काफ़ी अच्छा है। और यहीं पे वैसे सेम हॉस्टल है जैसे हॉस्टल टाइप था ना, तो जैसे जहाँ हम रुके हैं वैसे है सेम यहाँ पे भी। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देखिए सारा सेम ही है। मैं अंदर जाके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि और लोग लेटे हुए हैं यार वहाँ पे। और मैं आपको इसका रूम दिखा देता हूँ एक बार बढ़िया सा, देखिए यहाँ का रूम है, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ रूम को यार, देखिए काफ़ी अच्छा है यार, पीछे देखिए पिक्चर वगैरह सब लगी है, बहुत अच्छा है यार, बहुत बेस्ट है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। सामने खिड़की भी, आप ये नहीं घुटन में रहोगे, काफ़ी अच्छा आपको लगेगा यहाँ पे, फैमिली के लिए बहुत बेस्ट है। तो भैया एक और रूम दिखा रहे हैं मैं, अच्छा सा ये वाला, ओ भाई साहब कितना बेस्ट रूम है दोस्तों, देखिए यार इतना बढ़िया, सामने का पहले व्यू देखिए, जो लोग ये देखते हैं भी व्यू कैसा है होटल का, सामने का व्यू देखिए, शीशा लग रहा है यहाँ पे, और भाई साहब क्या व्यू है यार यहाँ का। आप यहाँ पे आराम से खड़े हो सकते हो बालकनी में, और ये लिखा है गोस्ट ऑफ ऋषिकेश, तो काफ़ी अच्छा है यार ये। भैया रूम तो बड़े अच्छे हैं वैसे यार आपके, हैं मेंटेन करके रखते हो आप, प्रॉपर देखिए सफाई देखिए यहाँ भी कितनी है, फैमिली के लिए तो बहुत बेस्ट है, और पिक्चर स्पॉट तो है ही यार, ये बेड वगैरह सब बेस्ट है यार यहाँ पे। तो अब मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ,
और आपको ये बता दूं कि प्रॉपर उन्होंने सब चीज डिजाइन की हुई है खुद से। देखिए डस्टबिन का होना चाहिए, कैंपर का होना चाहिए कि पानी खत्म हो जाए तो कैंपर में यहाँ से ले लो, और इस सबको अच्छे से डिजाइन किया। मैं आपको गेमिंग का एक्टिविटी दिखाता हूँ कि इस प्राइस में आपको क्या क्या एक्टिविटी मिलती है। तो वो वहाँ पे होती है ऊपर, और उसके लिए हमें यहाँ पे शूज निकालने होते हैं। तो हम शूज निकाल लेते हैं, शूज निकाल लिए खोलते हैं। ये गेमिंग एक्टिविटी है यार, यहाँ पे आप इस प्राइस रेंज में इंक्लूड है सारी, आप खेल सकते हो। ये देखिए ये कितनी बेस्ट है, और यहाँ की सीटिंग देखिए कितनी बेस्ट है। आप सीट कर सकते हैं यहाँ पे और कुछ ऑर्डर कर सकते हो खाने वगैरह का। तो ये सीट का है काफी अच्छा है, और ये कॉमन है, आप यहाँ पे बैठ सकते हो, गेम वगैरह खेल सकते हो, लूडो वगैरह, स्पीकर, बुक्स पढ़ सकते हो। और ये लैपटॉप है, कॉमन है, कोई भी यूज़ कर सकता है जिसका मन करे। तो ये कॉमन है, LED है, टेबल है, तो बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का यार। आप बैठ के यहाँ पे आराम से पहाड़ों का व्यू ले सकते हैं। सामने पहाड़ है पर बारिश हो रही है तो इसलिए हमें पहाड़ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि फोक ज़्यादा हो रहा है। सामने पहाड़ है वैसे, अगर आप आओगे तो क्लीन दिखेगा आपको, काफ़ी अच्छा लगेगा। पर आप सीज़न में आते हो तो इधर की तरफ आप देख सकते हो, इधर की तरफ पहाड़ दिख रहे हैं काफ़ी अच्छे से। और अभी कुछ बन रहा है यहाँ पे, और ये है जो सारा प्राइस में इंक्लूड आपके लिए। आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हो, कुछ ऑर्डर कर सकते हो खाने वगैरह का। अब मैं आपको यहाँ का कैफ़े दिखाता हूँ, तो ये सारा आपका प्राइस रेंज इंक्लूड होता है यार। ये कैफ़े है, आप यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो खाने पीने का। ये देखिए, और ये मेन्यू है, तो भैया ये है यहाँ का मेन्यू वगैरह। ये आप यहाँ पे कुछ भी खाने वगैरह का ऑर्डर कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। बैठने का तो कोई चार्ज नहीं, पर खाने का आपको अलग से चार्ज करना पड़ेगा क्या भैया। तो भैया यहाँ पे कैफ़े के खाना बहुत टेस्टी है भैया आपका, और बहुत ही अच्छा लगा रहा है यहाँ पे आके। काफ़ी अच्छा आपने डेवलप किया हर चीज़ को, सफाई का प्रॉपर ध्यान रखा है। थैंक यू भैया, बहुत थैंक यू। और ये नहीं, खाना आपको बहुत लेट मिलेगा, टाइम पे मिल जाता है यार। ये पूल भी, आप पूल भी खेल सकते हो यहाँ पे बढ़िया सा। सो गाइस, होप आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही बेस्ट है यार। और सबसे बड़ी बात तो ये इस प्राइस रेंज में इंक्लूड है, आपको कोई अलग से पे नहीं करने पड़ेंगे। अब हम अपने सूट डाल लेते हैं, फिर आपको एक कुछ दिखाते हैं और होटल का, तो चलते हैं। ये आपको ये दिखा देता हूँ, कॉमन है जोन सा, और रूम भी आपको दिखा दिया, आपको एरिया कॉमन वाला भी दिखा दिया, काफ़ी अच्छा है। और अब मैं आपको कुछ स्पेशलिटीज भी दिखाता हूँ नीचे जाके, तो चलते हैं। कहाँ जैसे, और यहाँ से इन इन जगह आप ट्रैवल कर सकते हो, वाराणसी, ये मेघवागंज, आगरा, LP, नैनीताल, तो आप इन जगह यहाँ से जा सकते हो इसी तरीके से बुक वगैरह करके। आ गए हम फिर से नीचे। तो गाइस, ये हमारे नागालैंड के फ्रेंड है कैली, और ये ट्रैवल एजेंट है, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही क्यूट हैं, बहुत ही प्यारे हैं, तो इनको हिंदी अच्छी तरह नहीं आती। हाय कैली। अरे आता ही है। आता है, इतना अच्छे से नहीं आता बस। तो अगर नेक्स्ट टाइम विजिट करेंगे हम नागालैंड, तो इनसे जरूर मिलेंगे आप। और यही स्पेशल चीज़ थी यार, मेरे को स्पेशल पर्सन यही है जिनसे मैंने आपको मिलवाना था, और बहुत अच्छे हैं यार ये भी, वीडियो वगैरह बनाने के लिए आए हैं। इनका कोई चैनल नहीं है, बाकी ट्रैवल एजेंट है। ओके, यस। मेरे से मिलिए कैसा लगा? अच्छा हूँ मैं। और कुछ नई बात, कुछ न्यू कुछ? ओके 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 ओके, बाय 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 बाय। क्यों सरप्राइज देना? तो कैली यार बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बंदा है। और ये है हमारा हॉस्टल, कुछ